हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आपका जो ये चैनल है इस पर रेगुलरली आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है, अगर मैं अभी इसके परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे में 5% का लोअर सर्किट स्टॉक में देखने को मिला था। बट वहीं अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में 25% डाउन है। छः महीने की बात कर लें तो छः महीने वाले आज भी 234% के रिटर्न्स में हैं। एक साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं 244% के शानदार रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को कमा कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये चैनल है इस पर आपको फंडामेंटली जो अच्छे पेनी स्टॉक्स हैं उनसे रिलेटेड जो है रिकमेंडेशन और न्यूज़ बताई जाती है। इसके अलावा जो पेनी स्टॉक्स आपको पैसा डुबा सकते हैं उनके लिए भी आपको यहाँ अलर्ट दिया जाता है। तो ये जो दोस्तों ये शेयर है, जो ये कंपनी है इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड, अभी जो इसमें पिछले एक महीने में 25% का डाउनफॉल आया है, तो जिन भी साथियों ने इसमें हायर लेवल पर बाय किया है वो अभी पैनिक में नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊँगा वो आपको मीन्स उस इन्फॉर्मेशन के बाद ऐसा लगेगा कि आपने एक सही कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये कोई बेकार कंपनी नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो देखिए दोस्तों, चार सेक्टर हैं जिसके अंदर ये कामकाज करती है। पहला है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, जो पहले इसका नाम इंटीग्रा गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल होता था। इसके अलावा ये फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर कामकाज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कामकाज ये कंपनी करती है। और लास्ट हो गया एनर्जी, मीन्स चार सेक्टर में ये कंपनी कामकाज करती है। और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में मैंने अपनी वीडियोस में आपको अपडेट भी दिया था, दो बड़े मेगा ऑर्डर्स जो हैं इस कंपनी को मिले थे। एक 11 करोड़ का था इनको सप्लाई करना था ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा एक जो है वो 12 करोड़ का था, जहां इनको जो स्टील इनगोट्स होते हैं वो इनको सप्लाई करने थे। तो दो बड़े ऑर्डर इनको इस क्वार्टर में मिल चुके हैं, एक 12 करोड़ का और एक 11 करोड़ का। इसके अलावा इन्होंने एक कंपनी है जो राइस प्रोसेसिंग करती है, ये यूपी के बरेली में है, उसका इन्होंने एक्विजिशन किया था अभी कुछ दिन पहले ही। उसमें इन्होंने 66% स्टेक जो है वो उठाए थे। और जो वो कंपनी है वो पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट करती है राइस का। तो आप देख सकते हैं कि चार सेक्टर्स में ये इंटीग्रा एसेंशिया कामकाज कर रही है और चारों में बेहतरीन इसको ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑर्डर आया है, इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन से इनको ऑर्डर मिला है, टेक्सटाइल में अच्छा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स हैं उनको उनकी हेल्प इनको मिल रही है। तो दोस्तों, आपको अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर लग रहा होगा, बट ये बड़ा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है। जो साथी इसके शेयर होल्डर्स हैं, बड़ी ध्यान से आप देखिएगा। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डेटा शेयर करता हूँ जी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डील्स जो इस स्टॉक में बल्क में डील हुई हैं उनको मैंने आपको आपके सामने यहाँ प्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं 30 अगस्त को 6.95 रुपये पर आप देख सकते हैं 20 लाख क्वांटिटीज उठाई गई थी बल्क में। और किसने उठाई थी? मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ने। उसके बाद आप देखिए 8 अगस्त को 6.39 रुपये पर 20 लाख शेयर्स उठाए गए समारथ गर्ग एंड सन्स ने। और 5 अगस्त को 6.65 रुपये पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 6.65 रुपये पर 25 लाख शेयर्स जो हैं संभालका शेयर्स कंसल्टेंट्स इन्होंने उठाए थे। तो दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि 25-25 लाख 20-20 लाख की जो बल्क में क्वांटिटीज़ उठाई जा रही हैं, तो ये जो स्टॉक एडवाइज़र फर्म्स हैं ये कोई मीन्स पागल तो नहीं है कि ये लोग
बिजनेस को बिना समझे ही या बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करें। अगर कोई इतनी बल्क में क्वांटिटीज उठा रहा है तो कुछ सोचकर और कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर ही ऐसा ये करते हैं, क्योंकि इनके पास रिसर्च करने वाले बड़ी टीम्स होती हैं, काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स इनके पास होते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये आपको दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आप लोग पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। जब इतने बड़े बड़े जो जिन्होंने ग्रुप्स ने इसको उठाया हुआ है इतने हैवी प्राइस पर, ₹7 के अप्रोक्स, तो आप क्यों इसमें इतने पैनिक में हैं? बहुत से साथी हैं जो इसको लेकर काफ़ी मीन्स परेशान हैं कि ये डाउन जा रहा है, क्या करें स्टॉक में। तो दोस्तों, ये कंपनी शानदार है, आप इसको हल्के में मत लें और इसको लॉस में ना बेचें। अगर डिलीवरीज की फॉर्म में बात करें तो आप देख सकते हैं कि 16 सितंबर को 75% डिलीवरीज, उससे पहले वीकली एवरेज 85 था और उससे पहले तो 98 था। बड़ा शानदार इसमें डिलीवरीज उठाई गई थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। आपको अगर इसका बिजनेस मॉडल आपकी समझ में आ गया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये आपका पैसा कई गुना तक बढ़ा सकता है और बढ़ाया भी है। एक साल वाले आप देख सकते हैं 250% के करीब रिटर्न्स हैं। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में यही बोलता हूं, अगर आपको पेनी स्टॉक्स उठाने हैं तो आपको अच्छे पेनी स्टॉक्स उठाने हैं और उन अच्छे पेनी स्टॉक्स को कम से कम 5 साल देने पड़ेंगे, तब आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इसी तरह जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके बारे में अवेयर कर सकूं और जो फंडामेंटली पुअर स्टॉक्स हैं उनसे आपको बचा सकूं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।